इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। चौरसिया केपी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा 90 वन कर्मचारियों को वितरित की गई फील्ड किट, जिसमें बैग, शूज, टॉर्च एवं फर्स्ट एड बॉक्स शामिल थे। यह आयोजन पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत चंद्रनगर रेंज में आयोजित किया गया। चौरसिया केपी फाउंडेशन की टीम की ओर से प्रेरणा अग्रवाल ने बताया कि इस साल चंद्रनगर रेंज में कहीं भी आग नहीं लगी, जिसके लिए हम वन विभाग की टीम को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही इसके चलते हमने आज वन कर्मचारियों को लेस करने के चलते 90 कर्मचारियों को फील्ड किट भेंट किए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके परिवार की मदद के लिए हम सदा आगे खड़े रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा समाज सेवा की दिशा में कई सेक्टरों में काम किया जा रहा है। किट वितरण कार्यक्रम के वन रेंज ऑफिसर रामजी शर्मा के द्वारा चौरसिया केपी फाउंडेशन की टीम को अपनी रेंज का भ्रमण करवाया गया और उन्हें वन विभाग द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में चौरसिया केपी फाउंडेशन की ओर से राजू शर्मा, प्रेरणा अग्रवाल, भंवर सिंह राठौर, हैनिश भतेजा एवं रेंज ऑफिसर रामजी शर्मा सहित समस्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ मौजूद रहा। आज जो है आपके द्वारा चंदनगर में यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, किस संबंध में क्या प्रोग्राम है? हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनको थैंक यू करना चाहते हैं कि इनकी वजह से इस साल जो बिल्कुल आग नहीं लगी है चंद्रनगर में, हम इसके भाव में जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करने के लिए हम आए। तो हम थोड़ा सा जो बैग्स, बूट्स, टॉर्च, लगभग कितने लोगों को सामग्री बांटी? हम 90 लोगों को सामग्री बांट रहे हैं। आगे भी और भी कहीं पर प्रोग्राम आप जो भी इनको लगे कि फॉरेस्ट को अगर अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कुछ और मदद चाहिए, हम करने को बिल्कुल भावुक हैं, तैयार हैं। वैसे हमारी फाउंडेशन ज़्यादा पाटन पूर्वा में काम करती है, स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए मिट्टी के घर बनाकर हम दे रहे हैं, पर ईंटों से बनाकर दे रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ों पर काम हो रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अभी सब सामने बनता जाएगा, दिखता जाएगा, हमें बस आप सबका सहयोग चाहिए।